तो रियल सच्चाई हो ना वही बताना जी, ताकि किसी भी पशुपालक के साथ में धोखा वगैरह ना हो। तो पहले बैठ में 16-17 किलो दूध निकाल रखा है। नमस्कार पशुपालक साथियों, सभी भाइयों का स्वागत है जी आपके अपने जय सिंह यादव डेयरी फार्म पे। आज की कवरेज लेकर के आ रहे हैं जी गिरमारा जिला हिसार से, और आज की वीडियो में काफ़ी पशुपालक भाइयों की डिमांड थी भाई कच्चे खुट्टे का जो पशुधन है वो आप भाइयों को दिखाया जाए। तो कच्चे खुट्टे से जो वीडियो लेकर के आ रहे हैं भाई, और जो रेट है पशुधन का वो भी वीडियो में पूछेंगे। इससे पहले जो भी भाई अपना पहली बार कवरेज को देख पा रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप भाइयों तक पहुँच सके, और जो भी डिटेल है भाई साहब से लेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। और जी क्या हाल चाल है? ठीक ठाक बढ़िया जी। तो सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं जी। गोगन जी। गोगन जी, तो पूरा एड्रेस और बताएं जी अपना। नाम गोगन, गांव किरमारा, ब्लॉक अग्रवा, डिस्ट्रिक्ट हिसार। ब्लॉक अग्रवा, तो अग्रवा से 14-15 किलोमीटर पे, 10 किलोमीटर पे है, और जिला अपना हिसार है। तो अपना मोबाइल नंबर और बताए। 94-670-98-47 ये भाई का कॉन्टेक्ट नंबर है। 94-34-070-47 जी, दो नंबर है। हाँ। तो एक नंबर पे है पशुधन, इसकी क्या कुछ डिटेल है भाई साहब? दूसरे अच्छा दूसरे ब्याह में है जी। कितने दिन की ब्याई होगी? तीसरे दिन की ब्याई होगी। और खीस से खाली वगैरह कर दी है? हाँ, खाली कर दी जी। कितना दूध से उठी है? 13-14 किलो दूध से उठी जी। 13-14 किलो दूध से। देखो 3-4 दिन की जो ब्याया हुआ पशुधन है 13-14 किलो दूध से उठता है, वो पशुधन लगभग 20 से प्लस का होता है भाई साहब। तो ऐसा ना हो भाई कोई पशुपालक भाई आए उसको आप 13-14 बता रहे हैं, आकर के देखे तो उसको 10 मिले। तो जो सच्चाई है ना दूध के, देखो भाव ऊपर नीचे चल जाएगा लेकिन जो दूध के मामले में जो सच्चाई हो ना वही बताना भाई साहब, ताकि किसी भी पशुपालक के साथ में धोखा वगैरह ना हो। तो खीसे खाली होती में 13-14 किलो दूध से उठी है। ये देखिए जी शरीर की बहुत ही शानदार जो एक एक नसें उभरती हुई हैं शरीर पे देखे जी, और शरीर पे जस्तावा सिंह, लंबी गर्दन, पीठ पुट्ठा है वो भी काफ़ी शानदार है, जो पैरों का बीच का बिल्कुल टाइट अडर। थोड़ा खोल लें भाई साहब, खोल करके चलाएं ताकि पूरा वास्तव तो नज़र आए। और बताना चाहूँगा भाई मैं दोपहर के समय वीडियो कवर कर रहा हूँ, 2 से 2:15 बजे का टाइम है, उधर ले जाएं आगे ले जाएं। शरीर पर जस्तावा सिंह और जो अडर है ये देखें जी, पैरों का बीच का बिल्कुल टाइट अडर लिए हुए है, और आगे ले जाएँ ये देखें जी बिल्कुल टाइट अडर लिए हुए है। ये देखें जोशीला अडर है, जो थनों का स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छा साफ सुथरा देखने को मिला भाई। ये देखें जब अपने पूरी पिक के ऊपर आएगी तो बहुत ही बढ़िया बन के आएगी भाई। ये देखें जी जो शरीर पे उभरती हुई नशे हैं वो भी आप देख पा रहे हैं जी, बहुत ही शानदार एक एक नशे अलग अलग तरह से नज़र आ रही हैं भाई। तो साथ में बच्चा क्या है जी? कटड़ी जी। साथ में ये देख पा रहे हैं जी बहुत ही शानदार कटड़ी। ये देखें मुंह के दांत दिखा दें इसके जी, सूंड वगैरह तो चलो गिर जाता है, और ये देखें जी जमालाल कच्चे बिल्कुल लाल है मसूडे भी। तो खीस से खाली होती 13-14 किलो दूध से उठी है, तो दूसरे ब्यात में है या तीसरे ब्यात में? पक्की कन्फर्म है पक्की जी। तो अपने घर की है या लेकर के आए थे ये बताएं? अपने घर की है। तो पहले ब्यात में कितना दूध निकाला इसने? पहले ब्यात में 16-17 किलो दूध था जी। पहले ब्यात में 16-17 किलो दूध निकाल रखा है। जो आप दूध बता रहे हैं ये कांटे का तोलका है या लीटर में है जी? यह कांटे का तोलका जी। कांटे का तोलका 16-17 किलो पहले ब्यात में इसने निकाल रखा है। और अभी की बार कितनी उम्मीद कर रहे हैं? 20 से 22 की उम्मीद कर रहे हैं। 20 से 22 किलो दूध की? अच्छा अच्छा, आपका अंदाज़ा भाई 13-14 किलो दूध से उठी है, इस हिसाब से 20 से 22 किलो दूध ये निकाल देगी। और कोई पशुपालक भाई इसको 20 किलो तैयार करवा के लेना चाहे तो आप तैयार करके दे दोगे जी? तो रेट बताएं जी, रेट वो बताना जितने का अपन सेल करना हो। ये नहीं भाई लाख का पशुधन है तो डेढ़ मांग लिया वो दे दिया फिर 90 में, ऐसा नहीं करें। जो रेट जितने का अपन देना हो ना वही एक फिक्स रेट बताएं भी, न तो एक पैसा कम और न ज्यादा। फाइनल रेट बताएं जी इसका? फाइनल
1,40,000 रुपये, जो 1,40,000 रुपये जो रेट भाई ने रखा है, और जो हाइट जो है देख पा रहे हैं जी, बीच का साइज की न छोटी न बड़ी कह सकते हैं, लेकिन पीठ पुट्ठा काफी शानदार है, अडर है वो भी बढ़िया भाई। तो धारचुआई में कैसी है भाई साहब? एक नंबर की जी, कोई छर्रा वगैरह थन कम ज्यादा बिल्कुल ओके है जी। 1,40,000 रुपये रेट रखे है, तो 1,40,000 रुपये आपने रेट रखा है जी, तो आप अनुमान लगा रहे हैं इसका 20 से 22 किलो दूध का। तो कोई भाई आपको साई टोकन वगैरह डाल ले तो 20 किलो इसका तैयार करके दे दोगे? 1,40,000 में दे दोगे भाई? कह रहे हैं भाई 1,40,000 रुपये में 20 किलो दूध तैयार करके दे देंगे। तो दो नंबर पे देख पा रहे हैं एक बहुत ही शानदार मैस है भाई, शरीर पर जस्तावा सिंह, पीठ पुट्ठा काफी शानदार, ये देखें आगे ले लें, ये देखें बहुत ही लंबाई की मैस है भाई। तो इसकी क्या कुछ डिटेल है भाई साहब? एक महीने की ब्याही होगी जी। अच्छा, एक महीने की ब्याही है। बच्चा क्या है जी साथ में? नीचे कटड़ी जी। साथ में कटड़ी। और एक महीने की ब्याही में दूध कितना है तैयार इसमें? 12-13 किलो तैयार है जी। 12-13 किलो। तो देखो भाई जैसा पशुधन होता है ना, जितनी उसकी कैपेसिटी होती है उतना ही दूध निकालती है। ये देखिए जी, तो थन वगैरह कुछ निकालती है भाई पाउसने के बाद? एक नंबर के जी। अच्छा अच्छा, तो शाम तक ये भी ठीक बन के आएगी भाई। अडर है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, पैरों का बीच का जो अडर लिए हुए। आगे ले जाए ले जाए ले जाए, ये देखे जी लंबाई बहुत ही ज़्यादा मैच की। साथ में बच्चा क्या बताया भाई जी? साथ में कटड़ी है, यही है ना? ये देखे जी, एक महीने कटड़ी है, ये भी काफी शानदार। तो भाई साहब पूरे दूध पे तो आएगी ये? पूरे दूध पे तो आ चुकी है? 12 किलो दूध इसमें, एक महीने की ब्याही में 12 किलो दूध तैयार है भाई, और लंबाई ऊंचाई की ये भी बहुत ही बढ़िया। तो इसका क्या कुछ मोल भाव है भाई? इसका 1,15,000। 1,15,000 रुपये फिक्स रेट है? को मान सम्मान कुछ भाई? अच्छा अच्छा, तो ये भी अपने घर की है, ये लेके आए थे? अच्छा, पिछले ब्याह में? अच्छा, 7 महीने ले हुए। ड्राई लेके आए थे या दूध दे रही थी? दूध दे रही थी उस टाइम 8 किलो। अच्छा अच्छा, और कौन से ब्याह में है या? या जी, वो तो उसने तो खर्च करके दिया था। हाँ, उसके मैंने तीसरे ब्याह में है। अच्छा, तीसरे ब्याह में है या? हाँ जी, तो पहले ब्याह में बता करके दिया था, आप दूसरे मान के लेके आए थे, अब तीसरे ब्याह में बह रही है? तो देखे जी, जो सच्चाई है वो सच्चाई होती है भैया। और जो तीन नंबर पे देख पा रहे हैं जी, शरीर पे जस्तावा सिंह और लंबाई ऊंचाई का बहुत ही शानदार। थोड़ा इधर कर लें भाई, खोल लें इसको। तो ये कौन से ब्यात की है भाई साहब? ये तीसरे ब्यात की जी। अच्छा, ये भी तीसरे ब्यात की है, ये देखे जी बहुत बढ़िया, उधर ले जाए। लंबाई और ऊंचाई बहुत ही शानदार, जो अडर है वो देखे जी, उधर ले जाए। तो ये कितने दिन की ब्याही होगी भाई? यार सुबह ब्याही है। तो दूध दाद कितना निकाल लिया इसका? इसका खीस कर दिया जी, 4 किलो। 4 किलो खीस निकाल लिया है। जो थन वगैरह है ये देखे जी, नशे हैं वो भी आप देख पा रहे हैं, मुठिया थन है, और 4 किलो के आसपास में जो खीस भाई कह रहे भी निकाल लिया। आगे ले जाए, अंदर ले जाए, अंदर ले जाए। ये देखे जी, पैरों का बीच का अडर है, लंबाई ऊंचाई बहुत ही बढ़िया। तो बच्चा क्या है जी साथ में? नीचे कटड़ा जी। साथ में कटड़ा है। तो धारचुआई में कैसी है? एक नंबर की फोकी चुआई है। फोकी चुआई है, कोई छर्रा वगैरह किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं भाई? ओके जी। ये देखे जी, नीचे से फिर दिखा देता हूँ थनों का स्पेस वगैरह। तो इसके क्या कुछ रिपेट है भाई साहब? कितना दूध निकाल रखा है, क्या कुछ कैपेसिटी है दूध की वो बताएं? इसने पिछले बार 16 किलो दूध काटा जी। पिछले ब्यात में 16 किलो? 16 किलो इसने निकाला है। दूसरे ब्यात में 14 था। अच्छा, पहले ब्यात में 14 और दूसरे में 16, और तीसरे बैरी है अब? हाँ, तीसरे। तो इसका कितना दूध की उम्मीद कर रहे हैं? दूध की 18-19 की कर रहे हैं जी। 18-19 किलो दूध की भाई साहब? 18-19 किलो दूध बहुत ज्यादा हो जाता है। ना ना जी, तीसरे दूसरा तीसरा काटेगी। अच्छा अच्छा जी, लड़की है ये देखिए जी, कटड़ी है ना? हाँ, ये कट्टा साथ में कटड़ा है। हाँ, कटड़ा है भाई। तो खीस से भाई 4 किलो के आसपास निकाल रखा है। तो इसका क्या कुछ मोल भाव जी? ये देते हैं 1,20,000 की जी। 1,20,000 की रेट वही बताना जी, जितना का अपन सेल करना हो। 1,20,000 की दे देंगे। फाइनल रेट है? फाइनल जी।
तो चार नंबर पे देख पा रहे हैं जी, हरियाणा नस्ल की शुद्ध अपने देसी गाय, ये देखे जी बहुत ही शानदार गाय है। थोड़ा इधर कर दे, और साथ में बछड़ा है ना। हाँ, बच्चा नीचे। ये देखे जी अडर है, वो भी काफी साफ सुथरा। और बताना चाहूंगा कि जो हरियाणा नस्ल की गोवंश, जो उसका जो अडर है वो आगे की तरफ जरूर देखने को मिलता है भाई, और जो भैंस वगैरह वगैरह का जो अडर है वो पीछे की साइड देखने को मिलेगा, बहुत ही बड़ा। थोड़ा और ऊपरली साइड कर दे, ये देखे बहुत ही बढ़िया। तो धार चुवाई कैसी है भाई साहब? एक नंबर की है, ये देखे जी बहुत ही बढ़िया। तो भाई साहब कौन सा ब्यात में है? तीसरे ब्यात में है। दूध दाद कितने दिन की ब्याई होगी भाई यार? कितना दूध तैयार है? छठा दिन की होगी। छह दिन की ब्याई होगी। अच्छा, 10 किलो ऊपर दूध तैयार है जी। 10 किलो से ऊपर है? 10 किलो से ऊपर दूध तैयार है भाई, और 6 दिन की ब्याई होगी। और कौन से ब्यात में बताई? तीसरे ब्यात में बताई। तो ये कितना दूध दाद निकाल देगी भाई? 12 किलो से ऊपर तो करेगी। 12 किलो से ऊपर। तो इसका क्या कुछ मोल भाव? जी जी, तो इसका क्या कुछ मोल भाव? मोल इसका 35,000 रुपये। 35,000 रुपये ज्यादा नहीं है भाई? जब ज्यादा जी, ज्यादा है जी ना। ज्यादा क्यों? ज्यादा नहीं है ना जी। चलो देखें भाई। बढ़िया फैट की है जी। 55 और 60 रुपये जो तो फैट पे दूध जाता है फिलहाल। एक नंबर बढ़िया की दूध की मैं। अच्छा, घी लाइन भी है साथ में? बढ़िया एक नंबर का जी। तो आपकी घर की है ये? हाँ। तो भाई कह रहे हैं भाई 35,000 रुपये रेट बताया ना इसका। 35,000 रुपये रेट। 12 किलो दूध से ऊपर निकाल देगी, और 6 दिन की ब्याई है, और 10 किलो दूध 10 से ऊपर है ना। 10 से ऊपर 10 से ऊपर दूध तैयार है भाई। तो 12 किलो पिछला ब्याह था जी, जी। पक्का। अच्छा अच्छा, तो 12 तो आप पक्का ही बता रहे हो ना? हाँ। और पिछले ब्याह में भी 12 निकाल रखे है इन्हें जी। बहुत ही बढ़िया। पशुपालक साथियों, चार पशुधन भाई ने दिखाए हैं जो इस जोटी की डिमांड की है भाई, 1,40,000 की, और 20 किलो दूध की भाई गारंटी ले रहे हैं, तैयार करके भी दे देंगे। और ये देखे जी एक नौजवान साथी, क्या नाम बेटा आपका? सचिन। अच्छा, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? कृष्ण। कृष्ण, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th। 7th। बहुत ही बढ़िया, पढ़ाई करें, पढ़ाई पे रुचि रखें थोड़ी भाई। तो पशुपालक साथियों, कोई भी भाई अपना पशुधन लेने का इच्छुक हो तो भाई का कॉन्टैक्ट नंबर कंटिन्यू स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर करें भाई। सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार।